अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात करेंगे आज इस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड्स वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो ग्लोबल से आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबल की बात कर रहे हैं, होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे 5 कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे 100 कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पूरी दुनिया में जो 193 स्टेट्स हैं या कह लो कि 200 स्टेट्स हैं, हम 200 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया की, होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दुनिया, ये वर्ल्ड बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल छोटा सा हो गया। छोटा सा मतलब ये नहीं कि साइज में छोटा हो गया कि बड़ी लंबा था या मोटा था, ऐसा था मतलब पतला हो गया या छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से मुराद ये हो गया कि मतलब ताल्लुकात बहुत ज्यादा हो गए हैं लोगों के साथ, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, रिलेशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जो है ट्रांसपोर्ट्स जो है वर्ल्ड जो है डेवलप होता जा रहा है, हो गया है ज्यादातर। ठीक है, बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो मतलब अब सफर करना, कहीं पे जाना, किसी से बात करना, किसी से मिलना, किसी को देखना इतना आसान हो गया है कि जितना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे, दिनों में तो काउंट ही नहीं करो, दिन मतलब कहो नहीं कि दिन भी लग सकते हैं या क्या, मतलब महीनों साल ये इतना टाइम हो जाता था, क्योंकि लोग पैदल सफर करते थे, ऊंटों पे सफर करते थे, घोड़ों पे सफर करते थे। ठीक है, सी तो क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, करते थे लेकिन बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो अब वर्ल्ड डेवलप हो चुका है, पूरी दुनिया डेवलप हो चुकी है, मतलब अब घंटों में सफर हो रहा है, जो दिनों में सफर होता था अब वो घंटों में सफर हो रहा है, मिनटों में सफर हो रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कह लो कि तीन दिनों में सफर हो रहा है, मतलब अब जो है इतना कह सकते हैं कि अब जो है एक शख्स दूसरी जगह जा रहा है तो उतने दिन लग सकते हैं या इतने घंटे लग सकते हैं, ये नहीं कह सकते इतने महीने लग सकते हैं। हाँ, अगर कोई मसला हो गया हो कि जाते हुए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इलीगली तौर पर अगर कोई जा रहा है तो उसको महीने भी लग सकते हैं, उसको साल भी लग सकते हैं, उसको जिंदगी भी गुजर जाती है वहां तक पहुंचने या वापस आने में। ठीक है, लेकिन अगर लीगली जा रहा है तो उसको 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हम इसमें पूरी बात करेंगे ग्लोबल की। ठीक है, तो ग्लोबल और आखिर में आ रहा है शन को कह लो कि एक प्रोसेस है। शन जहां पे भी आता है तो हम कहते हैं एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, एक अमल है जो हो रहा है दुनिया में या होता है या है, मतलब शन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस या फिनोमेना। तो इसमें हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, मेन टॉपिक हमारा ये है कि ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल स्टडीज ये क्या है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल स्टडीज या ग्लोबल स्टडीज, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, फिर ग्लोबलिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम ये डिस्कस करेंगे, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबल इश्यूज क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंटरनेशनल स्टडीज, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलिज्म, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक्स हैं इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल स्टडीज या हम कह लें कि ग्लोबल स्टडीज, इंटरनेशनल स्टडीज क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या इसमें सीखते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज में हम ये देखते हैं कि इंटरेक्शन 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन किस बुनियाद पे हो रहा है, या वो कॉमन है आपस में, मतलब वो उनका रिलीजन, उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी रिवायत जो भी कुछ है वो कॉमन है, इसलिए वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे। फॉर सपोज पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री से ही इंटरेक्ट करेगा या किसी और कंट्री के साथ भी
इंटरेक्ट करेगा। पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, तब करेगा जब उनके आपस में रिलेशंस होंगे, आपस में इंटरेस्ट होंगे। मतलब पाकिस्तान का अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट है तो वो उसके साथ रिलेशन कायम करेगा, ठीक है। अगर उस कंट्री का पाकिस्तान में रिलेशन इंटरेस्ट है तो वो कंट्री पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन, इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज एंड ऑन व्हाट दीज कंट्रीज शेयर और हैव इन कॉमन। यहां तो उनकी आपस में कुछ कोई चीज कॉमन होगी इसलिए वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, या तो वो उनका जो है वो आपस में वो शेयर कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशंस वगैरह जो भी कुछ है, या ट्रेड कर रहे हैं आपस में, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक दूसरे की कंट्रीज में, या तो मार्केटें हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, पाकिस्तान की कोई एक कंपनी फॉरेन में भी है, तो वो मतलब जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब हम सिंगल स्टेट की बात करते हैं, हम सिंगल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगल स्टेट मतलब एक स्टेट में क्या हो रहा है, तो हमारा फोकस, हमारा इंटरेस्ट किस पे होता है, नेशनल पे होता है, ठीक है। इफ वी स्टडी समथिंग दैट हैपनिंग विद अ सिंगल स्टेट, अगर एक स्टेट में कुछ हो रहा है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है नेशनल पे, ठीक है। लेकिन जब हम एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, या उन स्टेट्स के दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा फोकस किस पे होता है, हमारा इंटरेस्ट किस पे होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है नेशनल, इंटरनेशनल्स पे, ठीक है। तो हम नेशनल नहीं देखते, हम इंटरनेशनली देखते हैं उसको, हमारा इंटरेस्ट, हमारा फोकस इंटरनेशनल पे होता है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि वो दोनों, वो जो स्टेट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, किस बुनियाद पे वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, या हम उनको जो है कंपेयर करते हैं कि उनका आपस में इंटरेक्ट करने से, रिलेशंस रखने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं कर रही, मतलब कौन सी कंट्री ग्रो कर रही नहीं कर रही, कौन सी डेवलप हो रही है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं हो रही, ठीक है। तो उनको हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम सिंगल स्टेट की बात करते हैं तो हम नेशनल को देखते हैं, जब हम स्टेट्स या उसके रिलेशंस की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल, या हम ये देखते हैं कि वो उनका इंटरेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, किस बुनियाद पर इंटरेक्ट करती हैं, या हम उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री इनके रिलेशन से, उनसे इंटरेक्शन से क्या फायदा मिल रहा है उनको। इन स्टेट्स का आपस में जो रिलेशन है वो इकोनॉमिकली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, कल्चरली भी हो सकता है, रिलीजियसली भी हो सकता है, साइंटिफिकली भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक का भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सारे पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि इन सारे पर्सपेक्टिव से उनका आपस में रिलेशन हो सकता है, ठीक है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, या दो कंट्री का दो कंट्री से, मतलब ज्यादा कंट्रीज का ज्यादा कंट्रीज से, इन बुनियादों पे, इन बेसिस पे, इन पर्सपेक्टिव से इनका जो है आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टडीज या ग्लोबल स्टडीज में हम ये बातें, हम इन बातों पर फोकस करते हैं, इन बातों पे हम इंटरेस्ट लेते हैं कि ये इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो इंटरेक्शन है, इससे कैसे इंटरेक्ट करती हैं, किस बुनियाद पर इंटरेक्ट करती हैं, तो यही कुछ चीजें होती हैं, यही कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे, जिसके पर्सपेक्टिव पे स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टडीज या ग्लोबल स्टडीज में हम ये स्टडी करते हैं, ये देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का तो आपको पता है कि हम इकोनॉमिकली, ट्रेडिशनली, पॉलिटिकली किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिप्लोमेसी, वार, पीस, सिक्योरिटी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी कॉपरेशन के थ्रू हमारे जो है क्या होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, हमारे क्या होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस जो है लिमिटेड है, किससे लिमिटेड है, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टडीज से, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्या है, लिमिटेड है इंटरनेशनल स्टडीज से, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो है पॉलिटिकल पे और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस पे ज्यादातर हम फोकस करते हैं, हमारा इंटरेस्ट जो होता है इन दो चीजों पे होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो बहुत सी कंट्रीज में इंटरनेशनल रिलेशंस को पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड कहा जाता है,
ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों जो फील्ड हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सब फील्ड हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सब फील्ड है, ठीक है। वो रिलेटेड आपस में रिलेट करती हैं। किस बुनियाद पे रिलेट करती हैं? के डिप्लोमेसी पे, वार पे, पीस पे, सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड फॉरेन पॉलिसी पे। ये जो चीजें हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हैं। ज्यादा फोकस ये जो चीजें फोकस इंटरेस्ट रखती हैं वो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सब फील्ड है किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। किसका? ग्लोबलाइजेशन का ही हमारा ये थर्ड टॉपिक, थर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये प्रोसेस होता है, एक फिनोमेना होता है, ठीक है। अब शन तो आ गया इसमें, तो प्रोसेस भी आ गया, मतलब ये फिनोमेना आ गया। लेकिन ग्लोबल किसका फिनोमेना है? ये ग्लोबल का फिनोमेना है, ठीक है। ग्लोबल का फिनोमेना है मतलब ग्लोबल जो है कंट्रीज जो है कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, किस बुनियाद पर इंटरेक्ट करती हैं, क्यों इंटरेक्ट करती हैं, क्या जरूरत पड़ती है, क्या बेनिफिट होते हैं इंटरेक्शन करने से, रिलेशन रखने से, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का प्रोसेस है एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मैंने बताया कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, ठीक है, होल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है इंटरेक्शन का और इंटीग्रेशन का, ठीक है। किसके दरमियान? लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान, गवर्नमेंट्स के दरमियान, ठीक है। लोगों के दरमियान मतलब एक कंट्री के लोगों का इंटरेक्शन है, रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, एक कंपनी का रिलेशन है, इंटरेक्शन है दूसरी कंपनी के साथ, गवर्नमेंट्स का रिलेशन है, इंटरेक्शन है किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं, सेम ही मतलब है इसका, कि द प्रोसेस बाय विच द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन पीपल, कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल भी, पॉलिटिकली जो है लिंक होता है दूसरी कंट्री के साथ, इकोनॉमिकली लिंक होता है दूसरी कंट्री के साथ, मतलब पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक, सोशल टू सोशल, कल्चरल टू कल्चरल, ठीक है। तो ये लिंक्स होते हैं, ये प्रोसेस होता है लिंक करने का, मतलब आपस में जोड़ने का, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ठीक है। लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉपरेशन कॉपरेशन से इंटरेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स की गवर्नमेंट, मुख्तलिफ स्टेट्स के कॉपरेशन, मुख्तलिफ स्टेट्स के पीपल, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड होते हैं किसके थ्रू? कॉपरेशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, ट्रेवल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मार्केट्स के थ्रू, फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में कंबाइंड मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड के थ्रू भी वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, कनेक्ट होते हैं, ट्रेवल के थ्रू भी वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेशंस मीडिया के थ्रू, और कम्युनिकेशंस के बहुत से मतलब जरिए हैं जिससे हम किसी को देख भी सकते हैं इजीली, किसी से बात भी कर सकते हैं इजीली, किसी को कुछ भी हम भेज भी सकते हैं इजीली, मतलब अब की दुनिया में, आज की दुनिया में ये नामुमकिन नहीं रहा, ठीक है। यहाँ लास्ट डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। समझ तो गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, लेकिन आखिर में भी देख लें कि इंटरेक्शन ऑफ पीपल थ्रू एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लोगों का आपस में इंटरेक्शन किसके जरिए? कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। वो अपने आइडिया जो हैं, वो अपनी थॉट जो हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, वो अपने एक्सपेंसिव आइडियाज मतलब जो वो सोचते हैं, भाई ये मेरे पास ये आइडिया है, ये तुम्हें बेनिफिट, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, हम आपस में शेयर कर लेते हैं, मतलब क्या पता जो मैंने ये सोचा है अगर तुम इस पे फॉलो करो, तुम इसको मतलब अप्लाई करो अपनी जिंदगी में, क्या पता तुम जो है कामयाब हो सको, ठीक है। यूजफुल ओपिनियंस टू मेक द लिंक्स बिटवीन ईच अदर, वो आप अपने आप को ओपिनियंस देते हैं कि लिंक बनाना चाहिए अपने आप आपस में, ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्रो कर सके, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, हमारी इकोनॉमी जो है डेवलप हो सके, ठीक
ठीक है, तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस के आइडियाज शेयर करते हैं, वो अपनी थॉट एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ताकि उनकी कंट्री, उनका जो एक उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। फोर्थ और फाइनल जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो है ग्लोबलिज्म। ठीक है, तो ग्लोबलिज्म है क्या? पहले बता दूं कि ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। ठीक है, और नेशनलिस्ट ग्लोबलिस्ट ये मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के फैसले भी जो करते हैं उसके भी वो अगेंस्ट मतलब खिलाफवर्जी करते हैं। ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों। तो ग्लोबलिज्म है क्या, उसकी मतलब क्या है कि क्यों नेशनलिस्ट उनके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक थॉट है, एक बिलीफ है, या एक कह लो एटीट्यूड है कि पूरी दुनिया को पॉलिटिक्स के व्यू से देखा जा रहा है, इकोनॉमिकली देखा जा रहा है, या सोसाइटी के व्यू से उनको देखा जा रहा है, और वो सपोर्ट करता है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या चीज चल रही है, मतलब कौन सी चीज ज्यादा ग्लोबलाइजेशन में हो रही है, उसको सपोर्ट करता है, और उसके ट्रेंड के मुताबिक, उस चीज के मुताबिक वो मतलब सोचता है, बिलीव करता है, और उसके बुनियाद पे वो पॉलिसी बनाता है। ठीक है, ग्लोबलिस्ट जो होते हैं वो इस तरह का सोचते हैं। तो ग्लोबलिस्ट जो है पूरी दुनिया को एज अ होल देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि नेशनल जो इंटरेस्ट है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में इजाफा करते हैं। ठीक है, वो एडअप करते हैं, वो इजाफा करते हैं, और जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट को शेप देती हैं। ठीक है, वो मतलब बताती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कैसी है, नेशनल इंटरेस्ट कैसे होनी चाहिए, और मतलब दूसरी कंट्री का एक कंट्री के साथ कौन से रिलेशंस होने चाहिए, कौन से इंटरेस्ट होने चाहिए। तो ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो ग्लोबल इंटरेस्ट को उस पे इजाफा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और जो है ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को शेप देती है। ठीक है, या कह ले कि ग्लोबलिज्म नेशनल पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज अ प्रॉपर स्पेयर फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ग्लोबलिस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए के जो है वो नेशनल पॉलिसी बनाती है बनाते हैं और पूरी दुनिया को जो है प्रॉपर स्पेयर में कंसिडर करते हैं, उसको करते हैं। फॉर सपोज अमेरिका की बात करें कि अमेरिका जो है एक पावरफुल कंट्री है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पावरफुल कंट्री है, दुनिया में नंबर वन है हर हिसाब से। ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी ज्यादा है, मतलब जो है उनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा है, उनकी डिफेंस भी ज्यादा है, बहुत ताकतवर है, इसराइल की भी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका वो चाहता है कि मेरे जो है पूरी दुनिया जो है मेरी मातहत रहे, तो वो ऐसे फैसले करती है ग्लोबलाइजेशन की मतलब बुनियाद पे के कंट्री पे। अब देखें, अब करंट जो हमारी ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबल इशू चल रहा है वो है COVID-19, तो ऐसा कुछ करे कि COVID-19 को भी कंट्रोल करे और दूर पूरी दुनिया जो है इसके मातहत रहे। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी या ऐसा कुछ करे, तो ऐसा होता है, मतलब ग्लोबलिस्ट ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को जो है नेशनलिस्ट जो होते हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं, और उसको मतलब जो है नेगेटिव रोल या नेगेटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेशनलिस्ट इसको देखते हैं। अब देखते हैं कि क्यों इसको जो है नेगेटिव कहा जाता है, या उसको नेशनलिस्ट जो है उसके अगेंस्ट क्यों होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट की, ठीक है, तो नेशनलिस्ट मतलब कैसे देखते हैं कि नेशनलिस्ट कहते हैं वो मतलब अपने कंट्री को, अपनी स्टेट को, या पूरी दुनिया को वो कैसे देखते हैं। नेशनलिस्ट सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर होम कंट्रीज। ठीक है, वो कहते हैं नेशनलिस्ट मतलब जो उनकी जो कंट्री है वो सब कुछ है उनके लिए। ठीक है, वो जो कुछ भी करते हैं वो अपनी कंट्री के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई आफत भी आती है तो मैं उस पर जाऊंगा, फिर मतलब अपनी कंट्री के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ है, पहले मेरी कंट्री, उसके बाद मैं। ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी वो कंट्री को देता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को देता है। नेशनलिस्ट का बिलीफ ये होता है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए, वो अपनी स्टेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ग्लोबलिज्म क्या कहते हैं, वो के वो पूरी कंट्री मतलब जो पूरी दुनिया को ही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, ग्लोबलिस्ट जो होते हैं वो पूरी दुनिया को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और वो जो भी कुछ चाहते हैं वो ये नहीं सोचते कि अब जो भी कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए करना है। नहीं, वो कहते हैं कि जो कुछ भी होगा वो पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। अगर वैक्सीन बनती है,
कोविड की, अगर कोविड की वैक्सीन बनती है तो मैं अपनी कंट्री में यूज नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया को फ्री दूंगा, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया जो है उससे फायदा उठा सके, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है, और नेशनलिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, जो नेशनलिस्ट होते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, किसको, ग्लोबलिज्म को। क्यों करते हैं इन, मतलब अभी कुछ सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया था यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लोबलिज्म को, ग्लोबलिस्ट को। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में क्रिटिसाइज किया था, नरेंद्र मोदी ने इंडिया में क्रिटिसाइज किया था। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि ग्लोबलिस्ट जो है वो अपने आप को इलेटिस्ट कंसिडर करते हैं। इलेटिस्ट का मतलब क्या है, इलेटिस्ट का मतलब है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी क्लास लोगों की जो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं, सुपीरियर अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं दूसरों से, ठीक है, या कोई दूसरे जो है उनको सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं, या अपने आप को वो सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, टैलेंटेड समझ रहे हैं, पावरफुल समझ रहे हैं, वेल्थी हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो हाई है सोसाइटी में, ठीक है। तो इस वजह से वो नेशनलिस्ट क्या कह रहे हैं, वो जो है ग्लोबलिस्ट जो है वो एलाइटिस्ट अपने आप को समझते हैं, और वो जो है इनको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्ट कह रहे हैं ये जो है ग्लोबलिस्ट वो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, और ये इनकी थॉट, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो बिलीफ्स हैं वो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट्स हैं, और ये जो ग्लोबलिस्ट हैं ये हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट्स हैं। तो इस वजह से जो नेशनलिस्ट हैं वो अगेंस्ट हैं किसके, ग्लोबलिस्ट के, या ग्लोबलिज्म जो है ऑपोजिट है नेशनलिज्म का। अब ये जो वर्ड है ग्लोबल, ये मोर होलिस्टिक है। होलिस्टिक मतलब, होलिस्टिक का मतलब है इंटरकनेक्टेड और ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल से, ठीक है। तो ग्लोबल वर्ड, जाहिर सी बात है ग्लोबल का मतलब है होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है होलिस्टिक का मतलब है इंटरकनेक्टेड, तो ग्लोबल वर्ड जो है इसको मोर होलिस्टिक कर दिया और ट्रांजिशनल कर दिया दुनिया को, ठीक है। दूसरे शब्द, दूसरे वर्ड्स में अगर कहें कि ये जो ग्लोबल है, ग्लोबल को कंसिडर किया जाता है होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर दूसरे सारे पर्सपेक्टिव्स को एक तरफ किया जाए और ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को एक तरफ किया जाए, तो दूसरे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो पार्शियल होते हैं, सेपरेटेड होते हैं और कंटेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, वो एग्रीगेटेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, कंबाइंड कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स है, अगर कुछ भी होगा ग्लोबल में तो वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ग्लोबली कुछ भी बात करेंगे तो वो हम पूरी दुनिया की, समझ लो, वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कंट्री की, दो कंट्री की, या 50 या 100 कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ग्लोबल में, ठीक है। तो इसी तरह माइग्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं जो कि लिमिटेड हो, या कोई उसके लिए कोई पार्टिकुलर प्लेस हो, या कोई टाइम उसके लिए रख दिया गया हो, भाई इसी टाइम में हम जो है ना कहीं पे जा सकते हैं, या एक ही वो प्लेस है जिस जहां हम जा सकते हैं, नहीं, कोई ना कोई पार्टिकुलर प्लेस है, ना ही कोई पार्टिकुलर टाइम है, और ना ही माइग्रेशन लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। ये हिस्ट्री ये सालों से होती आ रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, माइग्रेट करना। कुछ लोग जैसे कि आप बंगला अफगानिस्तान से कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आके रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया से कुछ लोग आके पाकिस्तान में रह रहे हैं, माइग्रेट करके आए हुए, ठीक है। तो माइग्रेशन हिस्ट्री से होती आ रही है और होती रही है, अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। और जब एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया की क्लाइमेट को चेंज कर दिया एयर पोल्यूशन ने, तो जाहिर सी बात है अगर पूरी दुनिया उस पर इफेक्ट हो रही है तो हम भी उसमें आ रहे हैं ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन ग्लोबली इफेक्ट कर रही है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, COVID-19 ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन में, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत से तरीके, बहुत से वेज हैं जिसके तरीके से वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते आ रहे हैं, करते करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, करते रहे हैं, ठीक है। और जो
एयर पॉल्यूशन हमने अभी भी बात की कि एयर पॉल्यूशन अगर चेंज हो रही है, क्लाइमेट अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर रही है, तो उसमें पूरी दुनिया इम्पैक्ट, उसको पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है और इफेक्टेड हो रही है, तो उसमें हम भी आ रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हाउ ग्लोबल सिस्टम कंस्ट्रक्टेड एंड इट वर्क्स। ठीक है, ये कैसे ग्लोबल सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे जो है ये काम करता है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए, इन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें जो है फोर इंपॉर्टेंट क्वालिटी समझनी होगी ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबल स्टडीज की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये है, क्या है ग्लोबल स्टडीज, क्या है ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल जो वर्ड का मतलब है वो है एक्सपेंड होना, कनेक्ट करना, मतलब एक्सपेंडेड, एक्सपेंड हो रही है एक चीज, एक कंट्री में एक चीज हो गई है, वो चीज दूसरी कंट्री को भी आपस उसमें उसके साथ कनेक्ट कर रही है, वो दूसरी कंट्री तीसरी को कनेक्ट कर रही है, तीसरी कंट्री चौथे को, मतलब ऐसे करके करके पूरी दुनिया उसमें आ रही है। ठीक है, तो वो कनेक्टेड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशनल मीनिंग दैट इट इज कंसर्न्ड विद इवेंट्स, आइडियाज, एक्टिविटीज एंड फिनोमेना दैट आर नॉट लिमिटेड बाय स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये एक ऐसे इवेंट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, या एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कंट्री में स्टार्ट हुआ है तो उसी कंट्री में महदूद रह जाएगा, नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई चीज स्टार्ट हुई है तो वो ग्लोबली इंडिया को भी इफेक्ट करेगा, चाइना को भी करेगा, बांग्लादेश को करेगा, अफगानिस्तान को करेगा, श्रीलंका को करेगा, मतलब जो भी कंट्रीज उसके आसपास में आ रही हैं इसको कनेक्ट करेगा, फिर चाइना को जो कंट्रीज बॉर्डर में मिल रही हैं फिर उसको चाइना से वहां पे जाएगा, इंडिया से दूसरी कंट्री में जाएगा, श्रीलंका से दूसरी कंट्री में जाएगा, अफगानिस्तान से दूसरी कंट्री, बांग्लादेश से दूसरी कंट्री। तो ये क्या है, ट्रांजिशनल है ग्लोबल स्टडीज में और ग्लोबल क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड क्वालिटीज क्या है, इंटीग्रल। ये क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा डिसीजन, फॉर सपोज यूनाइटेड नेशन में एक ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो कि दूसरी कंट्रीज को या तो यूनाइट कर रहा है या तो उनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, ग्लोबली इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल मीनिंग दैट इट इज कंसर्न्ड मोर विथ व्हाट यूनाइट्स अस, के कोई ऐसी चीज जो हमें यूनाइट कर रही है, हमें जोड़ रही है, देन विथ व्हाट डिवाइड्स अस, या उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और विद द मैनर इन विच डिसीजंस आर शेप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एट द ग्लोबल लेवल। तो कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसा डिसीजन या जिस जो डिसीजन लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, पूरी दुनिया में वो फॉलो किया अप्लाई किया जा रहा है या पूरी दुनिया को मनवाया जा रहा है कि ये डिसीजन लिया गया, अब पूरी दुनिया को ये डिसीजन मानना होगा, इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव की बात करते हैं, ये वर्ड जो है इंक्लूड से निकला है। ठीक है, इंक्लूसिव, इंक्लूड मतलब दूसरों को भी इंक्लूड कर रहा है, जो फैसला कंट्री ने लिया है वो फैसला या वो जो चीज कंट्री में हो रही है तो वो चीज वो फैसला दूसरी कंट्रीज को भी उसमें इंक्लूड कर रही है, इंक्लूसिव कर रही है, तो ये क्या होता है, इंक्लूसिव भी होता है। मीनिंग दैट इट डज नॉट सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी वन ग्रुप ऑफ पीपल बट वर्क्स टू एंगेज विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक कंट्री कोई काम शुरू करने जा रही है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, या ह्यूमन राइट्स के लिए कोई काम करने जा रही है, या तो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई काम करने जा रही है, या तो कह लो कि अभी जो करंट ग्लोबल इश्यू चल रहा है वो इसमें कोविड के लिए कोई काम करना चाह रही है, तो वो कंट्री चाहेगी कि मैं अब एक कंट्री काम नहीं करूं, दूसरी कंट्रीज को भी अपने साथ एंगेज करूं, दूसरी कंट्री को अपने साथ मिलाऊं, ताकि हम और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकें, और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हों और इस मसले का हल हम निकाल सकें। ठीक है, तो वो दूसरी कंट्रीज को भी आपस में मिलाती है, इंक्लूड करती है, ताकि उस मसले को और भी ज्यादा जो है हम उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, अच्छी तरह से हम उसको हैंडल कर सकें, फिर चाहे कोई भी मसला हो, COVID-19 का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, ह्यूमन राइट्स का हो, ह्यूमन रेस का हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हो, या कोई भी इश्यू जो ग्लोबली वो डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब आता है फोर्थ पे, लास्ट, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि मल्टीपल डिसीजन से, मल्टीपल थिंग्स से, मल्टीपल थॉट से दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है, मल्टीपल डिसिप्लिन से दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है, हिस्टोरिकली दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है, ज्योग्राफिकली दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है, स्टेट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, सोशली एंथ्रोपोलॉजिकली डेमोग्राफी साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, लॉज और इकोनॉमिक्स के थ्रू, ये मतलब सारी चीजें आ रही हैं। इन सारी चीजों के थ्रू मतलब बहुत सी चीजों के थ्रू जो है कंट्री को कनेक्ट किया जा सकता है, कंट्री वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब लास्ट में आते हैं, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, और एंड करते हैं ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, ग्लोबल आपको समझ आ गया होगा, ग्लोबलाइजेशन आपने आपको समझ आ गया होगा, ग्लोबल इंटरनेशनल स्टडीज आपको समझ आ गया होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आपको समझ आ गया होगा, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलिज्म, इसमें हम नेशनलिज्म की हमने बात की, नेशनलिस्ट की हमने बात की, और वो इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज होती हैं इस पे इसकी हमने अभी बात की, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज पे अब बात कर रहे हैं। ग्लोबल इश्यूज पे बात करना कोई नहीं है, ग्लोबल आपको समझ आ गया कि ग्लोबल क्या होता है, पूरी दुनिया, और इश्यूज का मतलब होता है दुनिया का इशू, मतलब एक ऐसा इशू जिसमें पूरी दुनिया इफेक्टेड हो रही है, जिससे पूरी दुनिया को इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो करंट जो हमारा है वो इशू चल रहा है, ग्लोबल इशू चल रहा है, वो चल रहा है COVID-19। ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि अभी भी ये COVID-19 चल रहा है, तो इसमें पूरी दुनिया को इम्पेक्ट पड़ा है, इकोनॉमिकली इम्पेक्ट पड़ा है, ट्रेड रुक गई, बहुत कुछ मतलब बिजनेस ठप हो गया, बहुत कुछ जो है ना, पाकिस्तान, इंडिया, UAE, बहुत सारा जो नुकसान हुआ, बहुत वो तो UK को, USA को, और पहले इटली को हुआ था, चाइना को हुआ था। ठीक है, तो केस जो शुरू हुआ था वो COVID-19, ठीक है, एक ग्लोबल इशू था, वो शुरू हुआ था वुहान से। तो वुहान से होते पूरी दुनिया को इसने अपनी कोविड ने जो है अपनी लपेट में ले लिया। ठीक है, तो ये क्या था, एक इशू था फर्स्ट, पहले तो एक इशू था भाई, एक वायरस आ गया वुहान में। ठीक है, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया तो ये क्या हो गया, ग्लोबल इशू हो गया, पूरी दुनिया का इशू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा, आपको अगर ग्लोबल समझ आ गया तो आपको इश्यूज का तो कोई मसला ही नहीं है, इश्यूज आपको समझ आ गया होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि करंट कौन से ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट जो है ना पूरी अर्थ को मतलब नुकसान हो रहा है, ये मतलब जो चीजें हैं ये करंट इश्यू चल रहा है, COVID-19 का इश्यू चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के मुताबिक अगर देखें तो 9/11 का जब अटैक हुआ था, ठीक है, ट्विन टावर में, दो जब एयर्स आपस में उसमें ट्विन टावर्स में टकराए थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट अटैक जो था वो ट्रांसलेशन, टेररिज्म जो होती है वो ट्रांसनेशनल होती है, वो नेशनल इशू नहीं होता, वो ट्रांसनेशनल इशू होता है कि किस कंट्री ने ये टेररिस्ट अटैक किया है, किसने करवाया है, क्यों किया है, तो ये सारी वजूहात जानी जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेशनल होती है, नेशनल इशू नहीं होता ये।